यूपी के आगरा जिले के थाना डौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मेवली खुर्द के गांव घड़ी किशन में स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पंडित मधुसूदन शर्मा जी रहे। वह उनके साथ में मौजूद रहे पूर्व महासचिव डॉक्टर शिवराम यादव, देवेंद्र यादव, असलम खान, सुनील नीलम, गौरव यादव, नीरज कार्यक्रम की अध्यक्षता रघुनाथ सिकरवार, नरेश धाकरे, पूर्व जिला पंचायत आयोजक धर्मेंद्र प्रजापति, धर्मेंद्र वाल्मीकि, हरिओम सिकरवार, सत्तार खान एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। देखिए आगरा से राम निवास की रिपोर्ट। गांव गढ़ी किशन में जो स्वागत सम्मान किया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण आज कृष्णा की गढ़ी गांव में लोगों ने स्वागत और जो सम्मान मुझे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बनाने पर किया है, इन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से तंग आकर परेशान होकर इन लोगों ने आज ये बीड़ा उठाया है कि आने वाली 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं धर्मेंद्र प्रजापति, वरिष्ठ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी। आपके द्वारा ये गढ़ी के समय समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने सर्व समाज और समस्त ग्रामवासियों की सहायता से अपने गाँव में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष माननीय मधुसूदन शर्मा जी का स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा, और इससे यह क्षेत्र में संदेश देना है कि आगामी 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अपने यहाँ से समाजवादी पार्टी के एक विधायक को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। आने वाले 2022 में आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा, विकास कार्य का? हमारी पार्टी और अखिलेश यादव जी माननीय उनको विकास पुरुष शुरू से कहते हैं, हमारी पार्टी ने किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के लिए 300 यूनिट फ्री दिया है, रोडों का काम प्लस नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको हर वर्ग में हर जाति में विशेषतः निम्न स्तर से लेकर हाई स्तर तक नौकरी देने का वायदा है, और इसी रूप से यह विकास 2022 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते ही 5 साल तक निरंतर विकास रहेगा और रुकने का नाम नहीं लेगा। धन्यवाद। किशन में जो सम्मेलन हुआ है, आप किस आधार पर? आज ये नए जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व विधायक पंडित मधुसूदन शर्मा जी को नए जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर यहाँ स्वागत समारोह रखा गया, और उसमें हमारे आगरा से वरिष्ठ नेतागण समाजवादी पार्टी के आए, उन्होंने जनता को सुझाव दिए, अपनी पार्टी की नीतियां बताईं, और जो विपक्ष पार्टी है उनकी जो उन्होंने जो हमारे साथ गलत किया है, जनता के साथ में हम लोगों को झुठलाया है, गुमराह किया है, गुमराह करके हमारी वोटों को ले लिया और सरकार बना ली, और वापस आके लौट कर देखा नहीं, कोई छू मात्र भी विकास नहीं किया, और इतना कि हम लोग इतने परेशान हुए 5 साल में के लोगों को भोजन देने के लिए सरकार को अग्रसर होना पड़ा। लोग देखते हैं गरीबों को 10-10 किलो अनाज, 20-20 किलो अनाज। ये हमारा भारत स्वावलंबन बनना चाहिए, न कि सामने मुंह देखने वाला कि हमको कोई भोजन दे तो हम करें, वो नहीं होना चाहिए। हम उसी सरकार से प्रेरणा चाहते हैं जो सरकार हमको स्वावलंबन बनाना चाहती है। ऐसी सरकार एक ही है, वो है समाजवादी पार्टी, और हम सब लोगों से अपील करेंगे, और सभी जनता का ये इतना मन बना के बैठे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को जिताकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।